हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ साउंड लॉजिक का ये ब्लूटूथ वायरलेस हेडफोन, जो मैंने 3 महीने पहले फ्लिपकार्ट से लिया था और अब मैं इसका रिव्यू कर रहा हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है साउंड लॉजिक का HD वायरलेस हेडफोन। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो विद बिल्ट इन हैंड्स फ्री और फ्री माइक्रोफोन, विद बिल्ट इन हैंड्स फ्री माइक्रोफोन। ओके, और यहाँ पे इसका प्राइस दिया गया है 1999 रुपये। मैं आपको यहाँ पे फोकस करके दिखा देता हूँ। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो इसका MRP 1999 रुपये, लेकिन मैंने इसको 1300 रुपये में फ्लिपकार्ट से परचेज किया था। और इसका मॉडल है BTH P001 PX EK BK। ओके, तो ये है इसका बॉक्स। इसकी पैकेजिंग खास नहीं आई है और यहाँ पे आप इसके सिम्बल्स देख सकते हो। यहाँ पे ब्लूटूथ है, यहाँ पे माइक्रो SD सपोर्ट भी है और इसके साथ में आपको FM सपोर्ट भी मिलता है इसमें। यहाँ पे आप देख सकते हो वर्क्स विद iPad, iPhone, Android फोन्स और कंप्यूटर्स एंड मोर, जो भी है ब्लूटूथ डिवाइस आपके। और यहाँ पे इस साइड में यहाँ पे इसके कुछ फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे ब्लूटूथ वायरलेस कनेक्टिविटी है और आप इसमें 32 GB तक माइक्रो SD कार्ड डाल सकते हो। और बिल्ट इन 3.5 mm ऑडियो जैक है, इसमें ऑडियो जैक की सपोर्ट भी मिलती है, यानी कि उसके साथ में आपको ऑक्स केबल मिलती है। और यहाँ पे ब्लूटूथ 3.1 दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे इस साइड में ये यहाँ पे लोगो बने हुए हैं। ओके, इसकी पैकेजिंग खास नहीं आई है, तो चलिए मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ। ओके, पहले यहाँ से देखते हैं। इसका एक कवर ऐसे ओपन होता है और यहाँ से आप इसको देख सकते हो, ये इसमें अंदर हेडफोन है। बाकी यहाँ पे इसके कुछ इमेजेस दी गई हैं हेडफोन के बारे में, ये है। तो चलिए अब इसको ओपन करते हैं। वैसे मैं इसको यूज कर चुका हूँ 3 महीने से, लेकिन मैं साथ साथ में इसकी अनबॉक्सिंग भी कर रहा हूँ रिव्यू के साथ में। ओके, तो इसके अलावा इसमें बॉक्स में कुछ नहीं है। तो ये है हमारा हेडफोन और इसके साथ में यहाँ पे नीचे एक ऑक्स केबल आती है, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब इसकी बैटरी खराब हो जाएगी तब आप इसको ऑक्स से भी यूज कर सकते हो। ओके, जो ये ऑक्स केबल है जो कि नॉर्मल क्वालिटी की है, ज़्यादा हाई क्वालिटी की तो नहीं है, लेकिन ठीक है इसके लिए। मैं इसको इतने टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, अभी तक कुछ ज़्यादा ख़राब नहीं हुई है। अब आते हैं हमारे हेडफोन पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस पे नेविगेशन बटन्स दिए गए हैं, FM, MP3, वॉल्यूम का है। ओके, नेक्स्ट और फॉरवर्ड बैक का है, यहाँ पे बीच में प्ले पॉज का, प्लस में कॉल का बटन दिया गया है और यहाँ से ये एडजस्टेबल स्ट्रिप दी गई है, इसको आप एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हो आप इसको। ओके, और उसके अलावा यहाँ पे इस साइड में कुछ नहीं दिया गया है। और यहाँ पे नीचे की तरफ आपको 3.5 mm ऑडियो ऑक्स के लिए सपोर्ट मिलता है और यहाँ पे एक LED इंडिकेटर है, उसके साथ में एक माइक भी दिया गया है, जिसे आप इससे कॉलिंग भी कर सकते हो ब्लूटूथ के ज़रिए। और इसके अलावा यहाँ माइक्रो SD कार्ड लगता है इस पर और ये माइक्रो USB पोर्ट दिया गया है चार्जिंग के लिए। और यहाँ पे इसका जो फोम मटेरियल है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सॉफ्ट है। मैं इसको इतने टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप इसको लगभग 1.5-2 घंटे तक आसानी से यूज कर सकते हो, ये कोई प्रॉब्लम नहीं करता है। और यहाँ पे ये बटन्स जो दिए गए वो थोड़े से ऐसे लगते हैं जैसे कि गिर जाएंगे, लेकिन है नहीं। तो अभी इसको ऑन करते हैं। ऑन करने के लिए यहाँ पे पावर बटन को आपको प्रेस करके रखना होगा और ऑन करते ही यहाँ पे इसमें इंडिकेटर लाइट ऑन हो जाती है और उसी के साथ में इसमें से साउंड भी आती है, पावर ऑन और पावर ऑफ की। और जब ब्लूटूथ कनेक्ट होता है तब भी साउंड आती है ब्लूटूथ कनेक्टेड।
यहाँ से आप ऊपर FM और MP3 में से भी अलग अलग चूज कर सकते हो इस बटन को प्रेस करके। यहाँ पे मोड आप चेंज कर सकते हो और इनसे आप इन बटन से आप वॉल्यूम को कम या ज़्यादा कर सकते हो। इसकी जो सबसे अच्छी बात लगी वो ये है कि इसमें ऑक्स केबल सपोर्ट भी दिया जा रहा है, क्योंकि ज़्यादातर ब्लूटूथ हेडफोन्स की बैटरी कुछ टाइम के बाद में ख़राब हो जाती है या फिर वो कम चलती है, तो ऐसी कंडीशन में आप इसमें ऑक्स केबल लगा के भी आप इसको यूज कर सकते हो, तो ये आपके लिए यूजलेस नहीं बनेगा। अगर इसमें ऑक्स केबल सपोर्ट नहीं दिया जाता तो इसकी बैटरी ख़राब होने पर आप इसको यूज़ नहीं कर पाते। लेकिन अभी भी इतने टाइम लगभग 3-4 महीने हो गए मुझे इसको परचेज किए और इसकी बैटरी अभी तक काफ़ी अच्छी चल रही है, बैटरी बैकअप भी काफ़ी अच्छा चल रहा है इसका, और इसकी बैटरी में अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई और भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हो तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या फिर आप फ्लिपकार्ट अमेजन पर जाके सर्च करके भी इसको परचेज कर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, ये था इसका रिव्यू, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे कोई वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नीचे रेड कलर का बटन होगा उस पर क्लिक कीजिए, और उसके बाद में एक बेल आइकन आएगा उस पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।